अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-0170-1 पर। कुछ और चाहिए हो तो बताना, पेट भर के खाना खाओ, बहुत प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। अरे माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। आइए ना, मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। खाइए, मैं देख कर आती हूं। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? ये तार किसका है? मेरे बिस्तर पे क्यों पड़ा है? अब आप ही का होगा। मेरा क्यों होगा? अच्छा, अशोक भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। माँ जी, खाना गर्मा गर्म तैयार है, जल्दी से आके खा लीजिए ना। आज बड़ा लाड़ आ रहा है तुझे मुझ पर, हाँ? मारना चाहती है? माँ जी, आपको मारना होता तो प्यार से थोड़ी ना मारती, आपसे चुन चुन कर बदले लेती पहले। निकल यहाँ, दफा हो जा मेरे कमरे से, भाग कर। हाँ, कागजात तैयार है ना? कितने बजे? 11 बजे? रजिस्ट्रेशन ऑफिस ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे नहीं, घर के लोग जासूस बन गए हैं इसलिए फोन छुपाना पड़ता है। कल मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? कागजात? कैसे कागजात? रजिस्ट्रेशन ऑफिस? कल तो पूरा दिन साय की तरह पीछा करूंगी सासू माँ का। कि अभी तक आई क्यों नहीं? अबे ये तो हमारी कुटन है। उषा जी, आप इन्हीं का बंगलो खरीद रही हैं? नमस्ते। अरे ये तो बंगला खरीद रही है, चलो। ये तो बड़ी अमीर असामी निकली, हमारे सामने कैसा ड्रामा करती है कि ये भिकारन है। अशोक, आज इस बुड्ढी का सारा खेल खत्म करते हैं। अच्छा, ओके ओके। चलो भैया, उस गाड़ी का पीछा करो। मनोज, मनोज,
है बेटा? आज तो जल्दी आने वाला था ना। ये लीजिए। नहीं, नहीं नहीं। अरे नहीं, मेरा हो गया। अरे कोई घर में है कि नहीं है, कहाँ है सब? सीमा, सीमा, निकला बाहर सीमा, आजा। ये सब तेरी नौटंकी है ना, ये तेल तूने गिराया है ना मुझे गिरा कर जख्मी करने के लिए। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे भैया जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। ओ, यहाँ छुपी थी? जख्मी नहीं बुढ़िया, शौन से मारने का मन कर रहा है मेरा। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। मुझे लगा था कि ये एक घर ही है कि जिस पर तो सांप की तरह फन मारकर बैठी थी, लेकिन तू तो बड़ी अमीर निकली। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन घर घड़ी। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। लेकिन गुड्डन रुक, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुझसे रुक, गुड्डन दरवाजा खोल, गुड्डन दरवाजा खोल, गुड्डन दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल ना दरवाजा, गुड्डन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, गुड्डन दरवाजा खोल। अनीता फोन उठाओ। किसको फोन मिला रही थी? हाँ, किसको फोन मिला? इधर रहो, इधर रहो, तेरी कहानी आज खत्म। गुड़िया, फोन उठा क्यों नहीं रही है? ये तो गई, अब क्या करेंगे? अम्मा, हमें माफ कर दो अम्मा, आपको छोड़ के मैं नहीं जाना चाहिए था अम्मा, तो आपके साथ यह हादसा नहीं होता। भगवान भी कितना क्रूर होता है ना, फर्श पर पानी पड़ा था और अम्मा जी का पैर फिसल गया और मनोज, उषा जी के शरीर का हमें पोस्टमार्टम करना चाहिए, उनकी मौत की असली वजह हमें पता चल जाएगी। कल उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 घंटे बाद उनका फोन बंद आ रहा था। तब से मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन तब से बंद आ रहा है। लेकिन अम्मा के पास तो फोन ही नहीं है। हाँ, और कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे पैर फिसल गया, उससे उनकी मौत हुई, एक दुर्घटना से उनकी मौत हुई है, और तुम क्या चाहती हो कि उनके मरने के बाद भी हम उनके शरीर के साथ चीरफाड़ करें, उन्हें और तकलीफ दें? हाँ मनोज, क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं माँ को और तकलीफ नहीं दे सकता। तो चलिए अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। Ha ha ha!
आप गंगा जल ले आएंगी? अंदर मंदिर में ही होगा। अम्मा की कमी हमेशा महसूस होगी हमें। मनोज, ये तुम्हारे इस घर के कागज हैं। ये गाजियाबाद वाले और ये दिल्ली वाले घर के, और ये उस घर के जहां तुम पहले रह रहे थे। उषा जी की वसीयत के अनुसार अब ये सब तुम्हारे नाम पर है। बाकी दो घर का किराया भी मैं वक्त पर दे दिया करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, अशोक सब संभाल लेगा। तो मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। अपना ख्याल रखना। सर बहुत दर्द कर रहा है, चाय बना दो ना एक कप। वाह दीदी, आधा काम तो हो गया। अच्छा सुन, एक काम कर, अपनी पहचान का एक सिक्योरिटी गार्ड रख और उसे ये बोलना कि ये औरत हमारे घर के आसपास भी दिखे ना, पहली फुर्सत में भगा दे इसे। वो बात करनी थी। बोलना। तुमने कहा था ना एक फ्लैट मेरे नाम कर दोगी। धीरे बोल, तेरे जीजू किचन में, और अगर सुन लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ना, आ जा। वैसे अशोक, मैं क्या बोल रही थी, दोनों घर का किराए का पैसा जितना भी आएगा ना, वो सब तू मेरे हाथ में ला कर देगा, अपने जीजू के हाथ में नहीं। वो तो मैं आपके हाथ में दूंगा ना, मालकिन तो आप ही हो। अरे अभी मालकिन नहीं बनी हूँ। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि अब ना मेरा पति भी मेरी औकात जैसा होना चाहिए, क्या बोलता है? दीदी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अगर जीजा जी को तलाक दे दिया तो मकान भी जाएंगे ना हाथ से। अरे ऐसे थोड़ी ना लाऊंगी नया पति, उसके लिए तेरे जीजू को मेरे लिए अपनी जान देनी पड़ेगी।